Premium fuel makes every car run better. Bigger engines equal more power. Yeah, SUVs are always safer than sedans. आप भी ये सब सच मानते हो ना? अगर हम आपको बोले कि जो कुछ भी आपने कार्स के बारे में सुना है वो गलत हो सकता है तो कैसा लगेगा? प्रीमियम फ्यूल से लेकर SUVs के सेफर होने तक, क्या ये सब सच्चे है या फिर सिर्फ एक बड़े धोखे का एक हिस्सा है? सो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा कार माइथ्स, हिंदी में बोले तो अंधविश्वास, क्या ठीक बोला है मैंने, जिसको तोड़ रहे हैं, जो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ माइथ्स आपको हिला देगा एंड कुछ बस हंसी लाएगी। एंड लास्ट टॉप 5 जान के तो आप लिटरली शॉक हो जाओगे कि ये सब भी हम लोग बिलीव करते हैं। मेरा चैनल का ये है करंट स्टेटस, जहाँ पर आप लोग बस वीडियो देख के आंख थू करके चले जा रहे हो। क्यों भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या पैसा लगता है? आई गारंटीड इस चैनल के जैसा यूनिक कंटेंट आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब। माइथ 15, वार्मिंग अप योर कार इन कोल्ड वेदर इज एसेंशियल। एक पुरानी कहानी, विंटर सीजन में अपनी कार को वार्म अप करना जरूरी है, लेकिन नए इंजिन को ये जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये ड्राइव करते टाइम ज्यादा जल्दी वार्म अप होता है। ये सिर्फ फ्यूल वेस्ट करता है एंड पॉल्यूशन बढ़ाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर सर्दी है, आप बस कार को स्टार्ट करो एंड ड्राइव करना स्टार्ट कर दो। आपकी कार जल्दी ही वार्म अप हो जाएगी ड्राइव करते टाइम। माइथ 14, SUVs are always safer than sedans। जब सेफ्टी की बात आता है तो लोग सोचता है कि SUVs अल्टीमेट फोर्ट्रेस है, क्योंकि ये बड़ी एंड हेवी होता है, राइट? लेकिन बड़ी साइज मतलब हमेशा बेटर नहीं होता है। सीडेंस अक्सर कार टेस्ट में बेटर स्कोर करता है एंड SUVs, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हाई होता है, जो रोल ओवर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सेफ्टी डिजाइन पे डिपेंड करता है, साइज पर नहीं। माइथ 13, मैनुअल कार्स आर ऑलवेज मोर फ्यूल एफिशिएंट। एक पुराना माइथ है, मैनुअल कार्स ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है ऑटोमेटिक से। ये पहले सही था, लेकिन दो डिसेंट पहले, आजकल का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे CVTs और 8 स्पीड्स अक्सर मैनुअल से ज्यादा एफिशिएंट है। टेक्नोलॉजी ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। सो मैनुअल ड्राइवर्स, टेंशन मत लो, आपका क्लच पेडल अभी भी कूल है, बस उतना इकोनॉमिकल नहीं है जितना आप सोचते हो। माइथ 12, बिगर इंजिंस इक्वल्स मोर पावर। लोग मान लेते हैं कि बड़ा इंजिन मतलब ज्यादा पावर, लेकिन आजकल के छोटे टर्बोचार्ज इंजिन नए लेवल पर पहुंच गया है। ये इंजिन ना सिर्फ फास्ट है बल्कि अक्सर ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो याद रखिए, साइज हमेशा सब कुछ नहीं होता। अब बस एक बात सोचो, एक एथलीट एंड एक बॉडी बिल्डर, इन दोनों को कंपैरिजन करना, दोनों स्ट्रांग है बट एक स्पीड के लिए ही बना है। माइथ 11, रेड कार्स गेट पुल्ड ओवर मोर ऑफन। आपने सुना होगा कि रेड कार्स पुलिस मैग्नेट्स होता है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक रेड कार्स चोज करना आपके लिए टिकट्स ले आएगा, लेकिन डाटा कुछ और ही कहता है। सच ये है, अपनी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है, कलर पर नहीं। तो अगर आपका दोस्त कभी रेड कार्स को ब्लेम करे तो उसे कहना, स्पीड पर ध्यान दो, सेट पर नहीं। माइथ 10, प्रीमियम फ्यूल मेक्स एवरी कार रन बेटर। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे माइथ के साथ जो हर कार ओनर के दिमाग में बैठा है, प्रीमियम फ्यूल की मैजिक। लोग सोचते हैं कि ये उनकी कार को सुपर पावर जैसे काम करेगा, लेकिन सच है कि प्रीमियम फ्यूल सिर्फ कुछ स्पेशल इंजिन के लिए ही यूजफुल है। अगर आपकी कार उसके लिए बनी ही नहीं है तो प्रीमियम फ्यूल सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। अब बस एक एग्जाम्पल सोचो, आप अपने पेट गोल्डफिश को एक डिजाइनर ऑर्डर दे रहे हो, अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं है। माइथ 9, इलेक्ट्रिक कार्स लैक पावर एंड स्पीड। इलेक्ट्रिक कार्स स्लो एंड वीक, ये बात एक टेस्ला मॉडल एस प्लेट को बोल के देखो, जो सिर्फ 0 to 60 2 सेकंड्स में जाती है। ईवीज इंस्टेंट टॉर्क देता है, मतलब आप पेडल दबाते ही फुल पावर मिलेगा। दुनिया के कुछ सबसे तेज से चलने वाला कार्स अब इलेक्ट्रिक है और एक ट्रेडिशनल इंजिन को पीछे छोड़ रहा है। माइथ 8, टर्बोचार्ज्ड इंजिन्स आर लेस रिलायबल। टर्बोज को कभी फ्रेजाइल माना जाता था, लेकिन आजकल के टर्बोचार्ज्ड इंजिन्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजिन्स के तरह रिलायबल है। कंपनीज ने टर्बोचार्ज को ड्यूरेबल और डिपेंडेबल बनाने में बहुत पैसा लगाया है। माइथ 7, फ्रंट व्हील ड्राइवर कार्स कांट बी परफॉर्मेंस व्हीकल्स। ये माइथ कहता है कि ओनली रियल व्हील ड्राइवर कार्स ही अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ही है, लेकिन होंडा सिविक टाइप आर जैसे कार्स ने ये प्रूव कर दिया है कि फ्रंट व्हील ड्राइवर कार्स भी सीरियस स्पीड हैंडलिंग दे सकता है। एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल एंड सस्पेंशन सेटअप के साथ FWD अब सिर्फ इकोनॉमिक क्लास के नहीं रहा। माइथ 6, हायर टायर प्रेशर इक्वल टू बेटर फ्यूल इकोनॉमी। कुछ लोग सोचते हैं कि रिकमेंडेड प्रेशर से ज्यादा टायर को इन्फ्लेट करने में फ्यूल इकोनॉमी बढ़ता है, क्योंकि रोलिंग रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर ट्रैक्शन को कम करता है एंड टायर का वेयर भी बढ़ाता है। रिकमेंडेड प्रेशर में स्टिक करो, ये परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी के लिए बेस्ट होगा। माइथ 5, ब्लैक कार्स गेट हॉटर इन सन। टेक्निकली डार्क कलर्स ज्यादा
ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मॉडर्न एसी सिस्टम किसी भी कार को इंस्टेंटली कूल कर सकता है, इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंशन मत लो एंड ब्लैक कार में भी चैन से घूमो। माइथ 4 AWD मींस ऑल व्हील ड्राइव इज बेटर इन ऑल कंडीशंस। ऑल व्हील ड्राइव एक सुपर हीरो फीचर्स लगता है, लेकिन ये केयरफुल ड्राइविंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव ट्रैक्शन में हेल्प करता है, लेकिन ये अपनी कार को इनविंसिबल नहीं बनाता। स्नोई या आईसी रोड्स के लिए क्वालिटी टायर एंड सेफ ड्राइविंग ऑल व्हील ड्राइव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑल व्हील ड्राइव ट्रैक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन ये कोई मैजिक कारपेट नहीं है। माइथ 3 आफ्टर मार्केट पार्ट्स वॉइड योर वारंटी। मॉडर्स बी ओयर राइट, लेकिन सच है कि आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगाना ऑटोमेटिकली आपकी वारंटी को वॉइड नहीं करता। मैन्युफैक्चरर सिर्फ तभी कवरेज डिनाई करता है जब आफ्टर मार्केट पार्ट्स से डायरेक्टली फेलियर हो। अपग्रेड करने से पहले वारंटी टर्म्स को अच्छे से चेक कर लेना। माइथ 2 हाई माइलेज मीन्स ए कार इज अबाउट टू डाई। हाई माइलेज कार्स होना काफी लोगों को डराता है, लेकिन अगर एक कार को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो एक 10 लाख माइल से ज्यादा चल सकता है। रेगुलर ऑयल चेंज, टाइमली रिपेयर्स एंड जेंटल ड्राइविंग से भी फर्क लाती है, तो हाई माइलेज कार से डरना नहीं चाहिए, सिर्फ पोर मेंटेनेंस रिकॉर्ड से डरो। एंड लास्ट माइथ ऑन कार कलर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स रीसेल वैल्यू। लास्ट में कलर पर आते हैं। कुछ कलर्स स्पेसिफिक मार्केट में वैल्यू बेटर होल्ड करता है, लेकिन कार कलर रीसेल वैल्यू को ड्रामेटिकली अफेक्ट नहीं करता। कंडीशन, मॉडल एंड माइलेज सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, तो जो कलर आपको पसंद आए वो पिक करो एंड कॉन्फिडेंटली ड्राइव करो। कॉन्क्लूशन, तो ये था कुछ सबसे बड़ा कार माइथ्स जो हमने आपके सामने ब्लास्ट किया। कौन सा माइथ ने आपको सरप्राइज किया कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड हमारा टाटा लेगेसी का प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना ना भूले। अगर आप और भी कार इनसाइट के बारे में जानना चाहते हो एंड हमारे हिडन टाटा ग्रुप्स के बारे में जानना चाहते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।